जसमत गुर्जर को गोला फेंक में गोल्ड मेडल मिला, जिसके चलते कस्बे में जगह जगह प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किए गए। एक कार्यक्रम में सरपंच यादरा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे और खिलाड़ी जसमत गुर्जर दिल की गहराई के साथ कस्बे वासियों की ओर से बधाई दी। भिवानी के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सानिध्य महंत चरणदास महाराज जी का रहा और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक घनश्याम सर्राफ पहुंचे। कार्यक्रम में अनेक प्रकार की लीलाओं का मंचन और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं विधायक और नगर परिषद के अध्यक्ष रण सिंह के सामने रखी। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का जमकर बोलबाला है, जिससे मरीजों की जान कुर्बान आती है। ऐसा ही एक मामला फिर जिला अस्पताल में उस समय देखने को मिला जब एक बूढ़ा जिला अस्पताल उपचार के लिए आया। इस बूढ़े को डॉक्टर ने बेड तो दिए मगर फिर बाद में बेड से उसको हटा दिया। बूढ़ा मरीज इतना लाचार नजर आ रहा है कि उसके जख्मों पर चोट नजर आ रही है और अब बूढ़ा मरीज सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा है। फरीदाबाद में एक दलित महिला ने पूरे गांव में पोस्टर लगवाकर आत्महत्या करने की धमकी दी और पोस्टर के माध्यम से मीडिया से मदद मांगी है। घटना फरीदाबाद के मोहना गांव की है, जहां एक महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए क्षेत्र में पोस्टर लगवा दिए हैं। पोस्टरों में जहां महिला ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है, वहीं मीडिया से न्याय की उम्मीद भी जताई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि गांव का सरपंच और गांव के दबंगों ने उसका जीना मुहाल कर रखा है। इसकी शिकायत वह पुलिस को कई बार दे चुकी है, लेकिन पुलिस भी आरोपी सरपंच और गांव के दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वही पुलिस का इस मामले में कहना है कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है और अभी मामले की तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश में जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में देर रात तक जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कल दिन भर श्रद्धालुओं ने निर्जल उपवास रखा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। देर रात्रि को 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव, आरती, पूजा, सत्संग, भक्ति, नृत्य और अन्य संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। भिवानी शहर के सभी छोटे बड़े करीब 4 मंदिरों में यह उत्सव रहा। रात्रि को हर मंदिर में प्रसाद वितरित किया गया। भिवानी में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की और समारोह की अध्यक्षता विधायक घनश्याम सर्राफ ने की। इस अवसर पर सानिध्य महंत चरणदास महाराज का रहा। 7 दिवसीय राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रदेश भर के 151 शिक्षकों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया और 41 शिक्षकों को सेवा पुरस्कार दिया गया।